नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय में क्या है चुनाव का हाल, ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। इसके साथ साथ आम जनता भी मौजूद है, क्योंकि भाजपा यहाँ पर लगातार दो बार से विजय हासिल कर पाई है, लिहाजा भाजपा के हैट्रिक पर समाजवादी पार्टी रोक लगाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बीजेपी के जो नेता हैं उनसे बात करते हैं, क्या समाजवादी पार्टी इस बार हैट्रिक पर रोक लगा पाएगी आखिर? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या वजह क्या है, क्या क्या विकास किया गया है? वजह वो सिर्फ अपने चीज़ों को गिनवाने की कोशिश करते हैं, सिवा हर चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो किसी भी चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करते हैं। किस कहावत है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। अगर मिल करके हम सभी एक साथ चल करके अगर विकास की राह को चुनेंगे तो एक दिन निश्चित विकास होगा। क्या काम बीजेपी के द्वारा किए गए हैं कि जनता फिर से बीजेपी को देखिए? बीजेपी हर तरीके से, सड़क, पानी, नाली, पानी टंकी, जिस तरीके से लाइटों का विकास, जिस तरीके से सड़कों के क्या नाम है एक नवीनीकरण का विकास, स्मार्ट सिटी का रूप देने का एक प्रारूप भाजपा ने तैयार कर रखा है, आज तक पूरे इतिहास में ना तो किसी पार्टी ने किया है और ना ही कर रहा है। विकास के मुद्दे पर भाजपा इस बार चुनाव में आ रही है, समाजवादी पार्टी क्या सेधमारी कर पाएगी? जी बिल्कुल, हैट्रिक भाजपा किस बार रुकेगी। और जैसा कि आप इनसे बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की, और ये बात कर रहे हैं काशी की, आप यहाँ से बस 10 कदम दूरी पे जाइए, कोई भी अगर मुगल सराय की लिंक रोड, अगर एक भी रोड बढ़िया मिल जाएगी जो बोलेंगे आप वो। और ये बोल रहे हैं ना दिन प्रतिदिन विकास होना चाहिए, दिन प्रतिदिन डेली कुछ ना कुछ बदलाव आता है, आप दिन पे प्रतिदिन यहाँ से चले जाइए, डेली कुछ ना कुछ घटा है। इसके नेता भी हमारे साथ हैं, क्या विकास किया गया है बीजेपी द्वारा या कांग्रेस इस बार सिद्धमानी करने में कामयाब? नहीं भैया, विकास इन लोग के बात में है, इन लोग के काम में विकास नहीं है। ये लोग बात इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, इनके प्रधानमंत्री भी करते हैं, इनके मुख्यमंत्री भी करते हैं। और वार्ड की स्थिति, आप सबसे बुरी स्थिति आज हम लोगों के याद में स्थिति कभी नहीं रही, कोई भी किसी भी मार्ग में चले जाइए आप, उसकी स्थिति देख लीजिए। ये लोग टंकी लगवाए हैं, इतनी बड़ी बड़ी टंकियाँ पूरे बनी हैं, इसमें सरकार का इतना पैसा खर्चा हुआ, जनता का पैसा खर्चा, एक भी टंकी चालू नहीं हुई है। जनता मौजूद है, विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि विकास छलावा है बीजेपी का, क्या मानते हैं? गलत बात है, ये जो लोग बोले सब फर्जी बोले हैं। ये क्या बताइए, मुगल सराय में क्या सबको छत, पहले पानी नहीं मिलता था, जमीन में नहीं मिलता था, तब छत पे मिल रहा है पानी। यहाँ मुगल सराय में इतनी टंकियाँ बनी हैं, सबको पानी नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की 3 बार जनता ने मौका दिया चेयरमैन बनने के लिए, इनका विकास एक तो रंगाले नहीं दे पाई है, एक पिछागिरी नहीं दे पाए, 25 साल से मांग चला, लड़ाई चल रहा है, इनके विकास पुरुष जी एक नहीं दे पाए। बीजेपी तो भैया गांव में वार्ड मेंबरी से लेकर राष्ट्रपति जी का चुनाव, राष्ट्रपति तक का चुनाव प्रधानमंत्री जी के नाम पे लड़ते हैं, इनके लोकल नेताओं के पास अपना कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। और ये नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, ये बात कर रहे हैं दिल्ली की और लखनऊ की, आज नगर पालिका का मुद्दा उठाइए ना। विकास के नाम पर ना नाली का कोई कहीं दिखावा है, न सड़क कहीं दिखेगी, न आपको किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था मिलेगी, सिर्फ दिखावा चल रहा है, सिर्फ दिखावे के अलावा बाकी कुछ भी नहीं। सरकार द्वारा पैसा दिया भी नहीं गया है, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये भी तो मेंबर रहे हैं, इनसे पूछिए आप कि विकास क्या हुआ है, पैसा नहीं तो विकास कहाँ से होगा? 20 करोड़ रुपया ठेकेदारों का बकाया है, 20 करोड़ रुपया कर्मचारी का बकाया है। विकास के नाम पर केवल धोखेबाजी पब्लिक के साथ, जो आप बीजेपी के लोग से पूछ रहे हैं, नेताओं से पूछ रहे हैं कि बात करनी है नगर पालिका की, नगर निकाय की, मुगल सराय की बात आप भी बताएंगे, काशी की सुंदरता बताएंगे। अभी हमारे यहाँ कर्मचारी कुछ ऐसे हैं कि जो एडाक के कर्मचारी रखे गए हैं, 6-6 महीना जब पेमेंट नहीं होता। पूरी मुगल सराय का जो है सड़क जो है एकदम ख़राब है, गरीब लोग जो है नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाह जो है रोक लिया जाता है, 6-6 महीना जो ठेकेदारी पे रखा था उनको रोका गया है, और इसमें क्या विकास कर रहे हैं तो सामने दिखाई दे रहा है। जनप्रतिनिधि के इस बार बोर्ड में था लेकिन बोर्ड में कोई विकास नहीं हुआ है, मेरा इतना ख़राब हम लोग का बोर्ड चला इस बार कि चेयरमैन ने कोई काम नहीं करवाया। हम लोग ने किसी तरह जनता के सामने हाथ गोड़ जोड़ जोड़ के, भैया हम लोग की सरकार नहीं है, माफ़ी मांगा हमने। बिजली कब जाती हम लोग को याद नहीं है, हम लोग आज बैटरी से इन्वर्टर बेचते हैं, भुखमरी के कगार पे हैं। जब लाइट 24 घंटा मिल रहा है तो कौन खरीदेगा? और पानी तीसरे मंजिले पर पानी जा रहा है। बिजली पानी की बात कर रहे हैं, बिजली पानी इतने जो अभी है इसमें इतनी बिजली मिल जा रही है कि
लोगों के दुकानदारों की बैटरी, जो इन्वर्टर की बैटरी थी, सेल कम हो गई है। क्या लेंगे बीजेपी से 6 साल में योगी जी, क्या लेंगे? 6 साल सरकार हुई ना अभी, जो 20 साल से, तो उनसे पूछिए 24 घंटा बिजली, 20 साल पहले बिजली नहीं मिलती थी। विकास हो रहा है, उनको पचेगा नहीं भाई। योगी मोदी काम कर रहे हैं तो उनको पच नहीं रहा, कैसे काम हो जा रहा है? सेलान कर काम भी हो जा रहा है, बन भी जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है। तो आज 11 बजे रात को महिलाएं जो अकेले चली जाती थी, महिला जो है अकेले जाती थी, कुछ नहीं, पहले कहीं भी जाए, कैसी गली में जाए, हर जगह कुछ गुंडागिरी होता था, बहुत ज्यादा होता था। ये लोग पार्टियां अपनी अपनी बोल रही हैं, लेकिन शिक्षा के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। विकास तो इतना नगर में हो चुका है ना, कि जो लड़का विकास पैदा हो रहा है वो स्कूल में जा रहा है, स्कूल की दीवारों में इतना गड्ढा हो चुका है ना, तो विकास, रुकिए, बोलने दीजिए। अरे बात आप बोल ली ना, बोलने दीजिए आप बोल ली ना प्रभात। तो इतना विकास पैदा हो चुका है ना कि स्कूल का शिक्षा के नाम पे ढिंढोरा इतना पीटा गया है। किसको इस बार ताज पहनाती है? क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या विपक्ष फिर से बीजेपी की जीत की हैट्रिक में शेरवानी करने में कामयाब रहेगी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।